हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर, आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की लेक्चर सीरीज। लेक्चर सीरीज काफ़ी लंबी रहेगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर आगे कुछ एडवांस लेवल के, फिर सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़ा एडवांस, फिर थोड़ा एडवांस, जैसा मैं आप लोग को हर चैप्टर आगे ले जाता हूँ, मतलब ना बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जाता हूँ, ताकि एकदम बेसिक से सीखने वाला जिस स्टूडेंट को अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता हो वो भी वो टॉपिक को समझ सके। तो इस तरह से मैं आपका लेक्चर, जो लेक्चर की सीरीज है, उस तरह से उसको डिज़ाइन किया हूँ और उस तरह से ही उसको आगे बढ़ाऊँगा। जैसे जैसे आप लोग का सपोर्ट मिलते जाएगा उतना ज़्यादा वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो मैंने आप लोग के लिए बोर्ड पर नाम लिख के रखा है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है कि क्या है, करते क्यों हैं, तो ये सब चीज़ों के आपके सवाल होंगे, सारे सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना और अब तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना अगर आप लोग को मेरा काम अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो कोई भी, जब हम लोग कॉस्टिंग में जब हम लोग कोई भी काम लेते हैं तो मेनली उसके दो तरीके होते थे, बैच कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग बोलते थे हम लोग उसको। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, किस में डिफरेंस पता करना है हम लोग को, बैच कॉस्टिंग ठीक है ना, और जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। अब बैच और जॉब कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, बैच में क्या होता है, मोस्टली एक ही तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, सेम आइडेंटिकल एकदम सेम। जैसे देखो आप लोग कभी किसी क्रीम खरीदोगे या कोई टूथपेस्ट खरीदोगे या कोई क्या बोलते हैं आप लोग का कोई भी मतलब ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदोगे या नॉन ड्यूरेबल या ड्यूरेबल बोल रहा हूँ मैं, आप लोग कंज्यूमर गुड्स खरीदोगे तो उसमें आप लोग पीछे देखोगे तो आप लोग को बैच लिखा होता है। क्यों, क्योंकि वो किस बैच में बना है, मतलब ना एक ही टाइम पे एक ही साथ में हज़ारों लाखों क्वांटिटी बन जाती है, सेम तरह की आइडेंटिकल एकदम सेम साइज शेप कलर वगैरह सब कुछ सेम रहता है, तो उस तरह से वो बैच कॉस्टिंग बोलते हैं उसको, क्योंकि वो फटाक से बन जाती है और एक ही तरह की क्वांटिटी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि हर एक काम क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। जैसे एग्जांपल मुझे समझो, एग्जांपल कपड़े सिलाना है तो कब टेलर के पास जाऊंगा तो टेलर अलग अलग तरीके से सिल के देगा मुझे कपड़े, बराबर ना, मतलब मेरा साइज़ अलग हो सकता है, तुम्हारा साइज़ अलग हो सकता है, तो कपड़े भी अलग हो सकते हैं, डिज़ाइन अलग हो सकता है, तो कुछ भी अलग अलग हो सकता है। तो इस ये डिफरेंस है मेनली किसमें, बैच और जॉब में। जॉब क्या होगा, हर एक जॉब एक दूसरे से क्या रहेगा, अलग रहेगा। बैच में मोस्टली होता है एक ही तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं एक साथ। अगर आप लोग की फैक्ट्री है जीन्स की और जीन्स बहुत सारे बन रहे हैं या टी शर्ट बहुत सारी बन रही है एक ही तरह की, तो फिर वो किस में आ जाएगा, बैच में आ जाएगा, फिर वो जॉब में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी जॉब का ही पार्ट है, जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे कोई खास करके इसमें कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीज़ आ जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट साल बोलते ना, जिसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगा, कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत क्या होता है, लंबा होता है, साल दो साल तीन साल पाँच साल दस साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो इस तरह की कॉस्टिंग को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब ये बनाए क्यों जाते हैं, सिंपल सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी है, जो इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, तो उसको पता करना होता है कि हम लोग हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एक समझे एग्जाम्पल कंपनी चला रहे और हमारे 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं और सिर्फ हम लोग सारे एक्सपेंस इनकम जो बोलना बहुत सारे बोलते ना पर्टिकुलर एक्सपेंस होंगे, हम लोग सारे एक्सपेंस इनकम मेंशन करते रहेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम लोग को टोटल प्रॉफिट लॉस मिलेगा एक एक यूनिट का, मतलब बोलते हर एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अपन बने, ताकि पता चले कि वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से कितना हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह से ये लोग कंपनियां, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं वो कंपनियां, वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसा बनता है, तो एकदम सिंपल है, जैसा आप लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे 12th में टी फॉर्मेट में, वैसा ही बनता है। इसमें कोई ऐसा मतलब ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, यहाँ पे डेबिट आपका और यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का अमाउंट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का अमाउंट, सिंपल एकदम। जैसा नॉमिनल अकाउंट होता है उसी तरह से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कुछ चीज़ और ये भी याद रखना कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट की भी कुछ चीज़ें इसके अंदर रहती है, तो याद रखना आप लोग को, ठीक है। अब ये बन गया हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँ, जैसा मैं हर लेक्चर में हर टाइम बोलता हूँ, जो भी नई चीज़ रहेगी वो स्टार्टिंग के एक पेज छोड़ देना, मतलब आगे का पीछे का फ्रंट बैक पेज
लेसन स्टार्ट करने से पहले और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आपका हाथ स्मूथली चलेगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना, मतलब चलाते रहना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप लोग के कैलसी नहीं चलेंगे, हाथ कांपते हैं या बटन दो के बदले पाँच दब जाएगा, पाँच के बदले आठ दब जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यूज़ करते रहना और सेम ही कैलसी पूरा एक, मतलब जो कैलसी अभी लोगे वही कैलसी एग्जाम तक यूज़ करना, चेंज नहीं करना। मतलब क्योंकि बटन के पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसको ये बात ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोग को, डेबिट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और यहाँ पे इनकम एंड गेन, और फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल और नॉमिनल का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है, दोनों का लगभग सेम चीज़ रहती है। अब हम लोग को समझना है कि जब अभी आप लोग एग्जाम्पल ले लो कि आप लोग ने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्या बनाना बिल्डिंग, एग्जाम्पल कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसने ब्रिज बनाने का एग्जाम्पल लिया है, तो उसको यहाँ पे ब्रिज बनाना है एक हमारी सिटी में, तो वो ब्रिज लगभग आधा किलोमीटर का है, तो वो ब्रिज बनाना है उसको। तो सिंपल सी बात है, आधा किलोमीटर का ब्रिज तो एक साल में बनेगा नहीं, दो तीन चार साल लग सकते हैं, तो उस तरह से उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो, तो उसको कुछ ना कुछ क्या होंगे, खर्चे होंगे। तो खर्चे कहाँ पे लिखेंगे, वो सब डेबिट साइड पे लिखेगा। तो खर्चे क्या हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, सबसे मेन खर्चा कॉस्टिंग पढ़ चुके आप लोग पहले इंट्रोडक्शन, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इंट्रोडक्शन वाला फिफ्थ सेम में मैंने बनाया था। मटेरियल होगा, लेबर होगा, टू अदर एक्सपेंसेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स बोल सकते हैं, वो होगा बराबर है, टू स्पेशल प्लांट। स्पेशल प्लांट मतलब इस प्लांट को, मतलब ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग से स्पेशल प्लांट खरीदना पड़ेगा। कॉमन प्लांट हो सकता है, कॉमन प्लांट मतलब ऐसा कुछ प्लांट रहेगा जो जो मशीन रहेगी वो सिर्फ हर जगह, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होती है, कुछ ऐसी होगी सिर्फ वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा एक दूसरे से अलग होगा, किसी चीज़ में किसी की लंबाई ज़्यादा होगी, किसी की चौड़ाई ज़्यादा होगी, कुछ भी मतलब बोलते हैं अलग अलग, सबका अलग अलग होगा। किसी का क्या बोलते हैं बेस, जो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, पिलर अलग शेप का होगा, उसका पिलर अलग शेप का होगा, तो उसके लिए अलग मशीन लगेगी, उसके लिए अलग मशीन लगेगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग के, तो जो भी चीज़ें हम लोग के एक्सपेंस रहेंगे या हम लोग की असर्स हम लोग लेके आएंगे, वो सब कहाँ पर लिख लेंगे, आप लोग डेबिट में लिख लेंगे। और उसके बाद कहाँ पर कुछ चीज़ें क्या आएंगी, क्रेडिट में आएंगी। अब क्रेडिट में क्या क्या आएगी, तो ये इनकम से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन इनकम बोलते नहीं उसको, यहाँ पे सिर्फ हम लोग अंदाज लगाते हैं इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो सिंपल से बात है, जब आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो आप लोग का एग्रीमेंट होगा कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, वो ब्रिज बनाना है आप लोग को, तो ब्रिज का प्राइस रहेगा, तो लगभग उसने लिखा रहेगा कि 10 करोड़ प्राइस है आपका, 10 करोड़ लेते तो सस्ता हो गया ब्रिज, 100 करोड़ का लेते हैं, 100 करोड़ का आप लोग का वो ब्रिज समझ लो, एग्जाम्पल आप लोग बना लो, बराबर है। तो जब 100 करोड़ ब्रिज बनाओगे तो सिंपल सी बात है, पूरा के पूरा ब्रिज एक साथ नहीं बनेगा। तो क्या होता है कि जब, और पेमेंट भी आप लोग को पूरा बनने के बाद नहीं मिलता है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पैसा होता है। जैसे आप कोई भी घर भी बनाओगे तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तो उसको पूरा पैसा नहीं दोगे, बिल्डर के पास अपने फ्लैट खरीदो तो उसको पूरा पैसा नहीं दोगे, वो कुछ स्टेप बाय स्टेप पैसे दोगे, वो मतलब बोलते ना जैसे जैसे काम चल, फर्स्ट स्लैब हुआ तो इतना पैसा, सेकंड स्लैब हुआ तो इतना पैसा, इस तरह से चलते रहता है। तो वैसा वो ब्रिज में भी होगा, तो कुछ साल बाद साल के एंड पे क्या करेंगे लोग, उसको एग्जामिनर भेजेंगे, मतलब एग्जामिनर बोलते आर्किटेक्ट भेजेंगे या उसका जो सुपरवाइजर रहेगा उसको भेजेंगे सुपरवाइज करने को, कि वो क्या करेगा आप लोग को सुपरवाइज करके बताएगा कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टर जिसने आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप लोग को बताएगा कि वो कितना परसेंट आप लोग का काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो उसका आप लोग को वो सर्टिफिकेशन देगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्क सर्टिफाइड, मतलब इतने चीज़ों पे काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी वो कंप्लीट हो गया मतलब वो ब्रिज काम यूज़ के लिए तो नहीं है ना, जब तक वो पूरा नहीं बन जाएगा तब तक उसको कंप्लीट नहीं बोलेंगे, तो तब तक उसको क्या लिखते रहेंगे हम लोग, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे कि उस पर काम चल रहा है, क्लियर है। तो उसमें वर्क सर्टिफाइड रहेगा और क्या रहेगा, वर्क अनसर्टिफाइड, दो चीज़ें रहेंगी वर्क इन प्रोग्रेस में, क्या क्या, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये दो चीज़ें क्या होंगी, वर्क सर्टिफाइड मतलब जितना आप लोग को सर्टिफिकेशन दे देगा या बता देगा कि इतना परसेंट आप लोग का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वो आप लोग का वर्क सर्टिफाइड रहेगा। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब क्या होगा, जिस दिन वो करके जाएगा उसके बाद भी आप काम करते रहोगे, या रहना आएगा आपका 31 मार्च जो भी है, तो उसके बाद भी आप लोग का कुछ काम किया होगा, या कुछ काम ऐसा हो सकता है कि दोनों में बोलते ना, आप बोल रहे हो कि वो काम हो गया, वो बोल रहा नहीं, वो बोल रहा है 90%, आप बोल रहे 70% हुआ है, वो बोल रहे हैं 60% हुआ है, तो जो डिफरेंस रहेगा, जो सर्टिफिकेशन जिसका नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क अनसर्टिफाइड। ये दो चीज़ें रहेगी इसके अंदर। और एक चीज़ हो सकती है प्लांट एट दी एंड, मतलब जो साल खत्म होगा आप लोग का, साल खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट में, साल खत्म होगा तो आप लोग का कुछ प्लांट या कुछ मटेरियल क्या होगा, बचा होगा, तो वो भी चीज़ें हो सकती है प्लांट एट दी एंड। ये वर्क इन प्रोग्रेस की चीज़ें लिख रहा हूँ मैं जो यहाँ पे आने वाली है, प्लांट एट दी एंड और मटेरियल एट दी एंड,
ये भी आप लोग के पास बच सकता है। तो आप लोग ये वर्किंग प्रोग्रेस में लिख दोगे कि इस पे आप लोग की चीजें सब क्या है बची हुई है। तो खास करके वर्किंग प्रोग्रेस में दो चीजें हैं, क्या वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। लेकिन प्लांट भी लिखते हैं और मेटल भी लिखते हैं जो आप लोग के साल के एंड में क्या होते हैं रिमेन रहते हैं, तब बच जाते हैं, जिसको हम लोग देखो फाइनल अकाउंट में लिखते थे, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक को एंड में लिखते थे, बराबर क्रेडिट साइड पर लिखते थे, वैसे ही मेटल एट द एंड बची, आप लोग प्लांट बच गया। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब वर्क सर्टिफाइड के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, अनसर्टिफाइड के बारे में बता दिया। तो कभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आप लोग कोई भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो आप लोग का जो भी सर्टिफिकेशन हुआ है, जितना भी सर्टिफाइड हुआ है वर्क, उसका पूरा पैसा आपको नहीं देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ही आपको पूरा पैसा नहीं देगा। समझो आप लोग ने 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, आप लोग ने 50% काम कर लिया, मतलब 50 करोड़ का काम आप लोग का हो चुका है। तो आप लोग को 50% काम मतलब 50 करोड़, बराबर ना? तो आप लोग को पूरा 50 करोड़ नहीं देगा वो, उसमें से 10%, 20%, 15% जो भी आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट मतलब ना, जो भी आप लोग का अब तक एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से, तो उसने बोला कि 10% रिटेंशन करेगा। 10% रिटेंशन मतलब आप लोग को सिर्फ उसमें से 10% कट करके देगा। तो कितना परसेंट देगा आप लोग को? 45 करोड़ रुपीज देगा, 5 करोड़ रुपीज रख लेगा। तो ऐसा भी होता है। तो कैश रिसीव्ड जो होगा आप लोग का अलग हो सकता है। कैश रिसीव्ड की पोस्टिंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना? जब कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का पूरा रेडी हो जाएगा तो सिर्फ आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के कॉन्ट्रैक्टीज से अब पैसा लेना है। कितना लेना रहेगा? 100 करोड़, पूरा 100 करोड़ आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे। क्लियर है? अब कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल चल रहा है तो फिर यहाँ पे एक क्लोजिंग रहेगा, वो अगले साल का क्या रहेगा? ओपनिंग रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वो लिखोगे, फिर वापस से अगले साल के जो भी खर्चे हो और जो बैलेंस बचेगा आप लोग का वर्क इन प्रोग्रेस का अगले साल का, फिर वैसे ही अगले साल का, तो ऐसे ही चलते जाएगा वो। अब सिंपल सी बात है, साल का एंड होता है तो आप लोग क्या निकालने की कोशिश करो? तो प्रॉफिट, बराबर ना? तो आप लोग को पता चलेगा कि साल भर में खर्चे हो गए थे आप लोग के 40 करोड़, बराबर है? आप लोग ने एग्जाम्पल लिख लिया, आप लोग का खर्चा कितना हो गया? 40 करोड़ रुपीज आप लोग ने खर्चा करे, बराबर है? और आप लोग ने ये किया, मिला आप लोग को 45 करोड़ का। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इधर से किधर से मैच मत करते बैठना उसको, ठीक है? आप लोग को यहाँ का टोटल आ रहा है कितना? 45 करोड़। तो मतलब आप लोग का ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का? यहाँ पे आप लोग 45 लिखोगे जैसे आप लोग का रूल था, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा कितना? 5 करोड़, बराबर ना? तो ये प्रॉफिट नहीं बोलेगा आप लोग, इसको क्या बोलोगे? नोशनल प्रॉफिट। अब सवाल उठता है, सर इसको प्रॉफिट तो हो गया 5 करोड़ का, कि हम लोग के पास वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आप लोग ने काम करके रख दिया हो, आपको मालूम है कि काम करके जो हो गया है, जो सर्टिफाइड है, जो अनसर्टिफाइड है उसका भी, और जो प्लांट वगैरह बचा है सबकी वैल्यू इतनी की है, 45 करोड़ की है, और जो आप लोग ने खर्चा करे थे वो कितना खर्चा करते हैं? 40 करोड़ खर्चा करे थे, तो 5 करोड़ लगा आप लोग का प्रॉफिट हो गया, आप लोग को पता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अनसर्टेन रहता है ना, मतलब उसमें श्योरिटी नहीं है कि आगे चल के उसमें खर्चा बढ़ भी सकता है, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ सकता है, प्लांट का कॉस्ट बढ़ सकता है, लेबर के चार्जेस बढ़ सकते हैं, कुछ कम भी हो सकता है, वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, बहुत सारे खर्चे कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए वो पूरा प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं? कंसिडर नहीं करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके लिए इसलिए प्रोसीजर अलग है। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है हम लोग को? साल के एंड पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, साल का एंड होगा तो हम लोग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, और जो हमारे शेयर होल्डर्स रहेंगे, अगर आप उन्हें शेयर्स खरीदेंगे तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड दिया तो किस कंसिडरेशन पर दिया जाएगा? इस पर देंगे तो लॉस हो सकता है, अगले साल मैंने पड़ा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस आ गया तो उसकी मतलब ना कॉस्टिंग में खर्चे में बढ़ गया, तो जो आप लोग सोच रहे हो कि हर साल इतना प्रॉफिट होगा, जरूरी है क्या? नहीं। तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक फॉर्मूला बनाया कि कितना परसेंट आप लोग क्या करोगे वर्क सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। तो ऐसे लिखते उसको, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसको परसेंटेज निकालोगे और क्या लिखोगे फिर? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कितना आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे वो किसके हिसाब से मिलेगा आप लोग को? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि आप लोग का जो वर्क सर्टिफिकेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है, ये आप लोग को निकालना पड़ेगा पहले। अब ये कैसे निकलेगा, क्यों निकालते, उसके पीछे रीजन ये है कि पहले आप लोग समझ लो कि समझो ये आप लोग का 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, बराबर है? तो इसको किससे कंपेयर करोगे आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। किसको? इसको नहीं, किसको? वर्क सर्टिफाइड को। तो यहाँ पे लिखने का हम लोग को परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसको कैलकुलेशन कैसा करोगे, क्वेश्चन आएगा तो समझ जाएगा, लेकिन अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। समझो एग्जांपल, वर्क सर्टिफाइड आप लोग का 40 करोड़ है, कितना करोड़ है? मैं ऐसा लिख रहा हूँ 40 लिखता हूँ, 40 CR लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मतलब जीरो कम डालना पड़े मेरे को। और आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? 100 करोड़ का, बराबर है? मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मतलब 100, बराबर है? तो निकाल लो तो आप लोग का कितना परसेंट आएगा? 40% आएगा।
तो पहले ही आप लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड जो है आपका, वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है वो आप लोग निकाल लेना। ये आ गया आप लोग का 40। अब यहां पे कुछ स्लैब्स दिए हुए कि कितना अगर प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट, सॉरी कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड होगा तो कितना आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो स्लैब क्या है? पहला जो है 0 से लेके 25, मतलब 24.99 है वो। अगला जो है 25 से लेके 50 का मतलब 25 से लेके 49.99। यहाँ पे है 50 से लेके 90 मतलब 89.99 जो अपर वैल्यू है उसमें भी ना, तो उधर खाली 1.1 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और फिर क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब 91, 92, 94, 95, 96 ऐसा है। और लास्ट में है 100% मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, बराबर है। तो इसके तुम लोग के अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, आप लोग की बुक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग को नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर 0 to 25% रहेगा क्या वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमने निकाले, तो आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में एक रुपया भी ट्रांसफर नहीं करने का। समझ लेने का कि वो उसके ऊपर कुछ भी कॉन्टीजेंसीज या जो बस हम लोग के रिजर्व रखेंगे, ताकि कम ज़्यादा कुछ होगा, अनसर्टेनिटी आएगी या कुछ चेंजेस आएगा फ्यूचर इवेंट में, तो उसके लिए हम लोग पैसा उसको संभाल के रखेंगे, शेयर होल्डर्स को बांटेंगे नहीं। अगर 25 से 50 के बीच में है तो इसका फॉर्मूला दिया लोगों ने, 1/3 नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट मतलब जो आपका ये प्रॉफिट आया इसको नोशनल क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ऊपर क्या आएगा, कैश रिसीव्ड, कैश मतलब जितना आप लोग को पैसा मिला। नीचे क्या रहेगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड मतलब जो आप लोग को क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया होगा, या कभी कभार कैलकुलेशन करना पड़ता है। सेकेंड जो है आप लोग का 50 to 90, उसमें है 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, मतलब ये इसका, ये इसका, ये इसका। फिर अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेगा तो हम लोग को आएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब सवाल उठेगा, सर यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रहेगा कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और लास्ट में 100 हो गया तो सिंपल सी बात है, पूरा के जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया मालूम पड़ेगा कितना प्रॉफिट है, तो फिर टेंशन क्या, पूरा के पूरा कहाँ डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, उसका टेंशन नहीं है इसका। अब सवाल उठता है, सर ऑलमोस्ट कंप्लीट पे इतना एस्टिमेट प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग को? सिंपल सी बात है, अगर आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट 90% के ऊपर ज़्यादा कंप्लीट हो गया तो आप लोग को श्योर हो जाते हैं कि आप सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी, कितना खर्चा होगा उसमें अभी तक तो कोई ज़्यादा चेंजेस आने वाला नहीं है, इसलिए उन लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि एस्टिमेट प्रॉफिट इतना होने वाला है। और ऊपर क्या ले लेते हैं फिर, कैश रिसीव्ड नीचे लेते कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्यों कर देते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। यहाँ तक हम लोग को अनसर्टेनिटी थी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस पर कुछ भी फ्यूचर इवेंट में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, ये कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना है पहले, फिर देखना है कि वो परसेंटेज किस स्लैब में बैठता है, फिर वो स्लैब के हिसाब से फॉर्मूला लिखोगे और ये अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करोगे आप लोग। ये जो लिखा है ना, टू नोशनल प्रॉफिट को बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 5 crore, और फिर इसको दो हिस्सों में बांट दोगे। कौन से दो हिस्सों में? पहला लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और टू लिखोगे रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का रिजर्व। ये दो हिस्सों में क्या करोगे, वो पैसे को बांट दोगे, याद रखना। तो ये हो गया आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कुछ सिंपल सी चीजें, सिंपल सी प्रोसीजर्स, कि आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से उसको समझना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, एकदम ध्यान से करना, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो ये हो गया आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट, थोड़ा जो मैंने आप लोग को बता दिया, क्या बता दिया, जो जो चीज़ें बताया वो आप लोग ध्यान में रखना, ज़रा भी टेंशन मत लेना, बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहेंगी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर मैं सब बता दूंगा तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, आप लोग को डिफिकल्ट ज़्यादा लगने लगेगा। तो मैंने जैसा मेरा हमेशा का तरीका है कि मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस तक ले जाता हूँ, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और कोई आप लोग को बोलते ना फ्रस्ट्रेशन नहीं हो कि यार बहुत हार्ड है। और कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, बस खाली हम लोग के अप्रोच का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है कि हम लोग उसको किस बाय स्टेप बाय स्टेप, एक साथ सब खाने जाओगे तो पेट खराब होता है, मतलब मैं ना इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग खाएंगे और थोड़ा थोड़ा हमारे को हैबिट बनाएंगे कि हम लोग किस तरह से उसको समझ सकते हैं, किस तरह से उसको आसानी से ले सकते हैं। सब टॉपिक आसान है, सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो,
आपके पास भी कुछ अच्छे सजेशन है तो आप लोग उसको भी समझो, अपने दोस्तों से शेयर करो, उनको भी बताओ, जितना हो सकता है एक दूसरे की हेल्प करो चीज़ों बताने में। सिर्फ अपने तक चीज़ें मत रखा करो नॉलेज को, नॉलेज जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ पता चला नया, कुछ नया तरीका, तो उसको आप लोग उतना ज़रूरी नहीं कि मेरे ही सारी चीज़ें फॉलो करो, आपको भी कुछ एनालाइज करके समझ में आता है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, बस खाली है कि उसको बाहर नहीं निकालते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हो गया आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। क्या मैंने बताया कि सारे एक्सपेंस आप लोग निकाल लोगे और फिर यहाँ पे जो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड प्लान एट दी एंड मटल एट दी एंड लिख लोगे, टैली करके जो बैलेंस आएगा नोशनल प्रॉफिट आएगा। ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लॉस होता है, क्या हो सकता है, लॉस। तो मतलब यहाँ पे बाय क्या लिखे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा के पूरा प्रॉफिट लॉस डाल दोगे, फिर वहाँ पे तो टेंशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब लॉस आ गए तो उसको क्या बांटोगे, रिजर्व और क्या बराबर ना, तो फिर उसको ये पार्ट स्टेप आएगा ही नहीं कि उसको कौन से स्लैब में बैठेगा, कोई टेंशन नहीं। फिर लॉस आ गया तो कोई टेंशन नहीं, प्रॉफिट आया तो फिर सोचने, प्रॉफिट आ गया तो फिर उसको यहाँ ट्रांसफर करोगे और सोचोगे कि कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, कितना पैसा रिजर्व में डालना है। अब उसके लिए हम लोग को जब ये आएगा उसके लिए हम लोग को ये दो स्टेप करना है, पहले निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर निकालना है देखना है कि वो जो परसेंटेज आया वो किस टेबल में बैठता है, उसके बाद फिर आप लोग को पोस्टिंग करना है। तो ये हो गया आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर से क्वेश्चंस लेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, अलग अलग टाइप्स कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके।